Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Ishan Shavasti और यार hope करता हूँ सारे ही अच्छे होंगे. तो आज का जो मेरा video होने वाला है वो सबके लिए है, चाहे वो parents हो, चाहे वो students हो, चाहे वो primary secondary students हो या फिर वो college going students हो. क्यों? आप सबके लिए good news है. तो good news ये है यार कि हमारी जो government है वो new education policy ला रही है, जिसके तहत हम सबको जो इतने सालों से शिकायत थी कि हमारी education जो होती है वो लर्नर ओरिएंटेड नहीं होती है या फिर वर्क ओरिएंटेड नहीं होती है, सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड होती है. हम सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेते जा रहे हैं, हमें प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं है. सो हम सबकी ये शिकायत खत्म कर दी है गवर्नमेंट ने. और जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है अब वो सिर्फ थ्योरेटिकल तक ही नहीं बेस्ड होगा, मतलब जो आपने एक बार बुक में रट लिया उसके बाद खत्म हो गया, जब आपका सिलेबस खत्म हो गया या बोर्ड्स खत्म हो गए, अब ऐसा नहीं. अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी साथ ही साथ. और इवन क्लास 6 से कई कई नए कोर्सेज भी ऐड किए जा रहे हैं टेक्निकल फील्ड में, क्योंकि अब आने वाला जमाना जो है वो पूरा हमारा कंप्यूटराइज्ड है. तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज सबको होनी चाहिए. तो क्लास 6 से ही ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है गवर्नमेंट में. और जो मिड डे मील्स होती थी वो सिर्फ 14 इयर्स तक के बच्चों को ही मिलती थी, पर अब वो बढ़ा के 18 इयर्स कर दिया गया है. मतलब गवर्नमेंट बच्चों को 18 इयर्स तक पैम्पर करेगी. और ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि 2035 तक जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी कंट्री है, उसमें 50% बच्चे वो कॉलेज गोइंग हो जाएं, वो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हो जाएं. और हम जो देखते हैं कि कोई भी बोर्ड एग्जाम होता है उसमें मगअप करके हम रट लेते हैं चैप्टर्स को और उसके बाद पेपर दे के आ जाते हैं और हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा. अब उन्होंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही इंट्रोड्यूस किए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिससे कि सिर्फ रटना ही काफी नहीं होगा, हमको अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट फोर्स कर रही है कि हम समझे एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्या है. वरना अगर हम रट लेते हैं 11th 12th में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, तो हमारा वो सब्जेक्ट पढ़ने का क्या मैटर हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ. तो गवर्नमेंट वही चाहती है कि हमारी जो भी डिग्री अगर हम ले तो हमें उसमें एफिशिएंट हो जाए, हमें उसकी नॉलेज हो जाए कम्प्लीटली. अब जैसे कि आपको डांस या आर्ट क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने, और ये एक सब्जेक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है. मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं, इसी की पढ़ाई कर सकते हैं बकायदा. जैसे अगर आपने डांस लिया है तो आपकी डांस की थ्योरेटिकल इवन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगी, ताकि आप उसमें अपना कैरियर बना पाए. गाइस इतनी बड़ी न्यूज क्यों है हर इंडियन के लिए? क्योंकि हमारा पूरा ही एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है. जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी वो भी एजुकेशनल मिनिस्ट्री बन चुकी है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट और ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है एजुकेशन के ऊपर कि बच्चे पढ़ ले, सबका साथ सबका विकास, ये वाला जो स्लोगन हम सुनते हैं ये एक्चुअली में एप्लीकेबल अब हो रहा है. और हम देखते हैं कि 10th और 12th में बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है पढ़ने का और वो रटना स्टार्ट कर देते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसको खत्म करने के लिए भी नए रूल्स बनाए. जो हम सबके ऊपर 10th और 12th में प्रेशर पड़ जाता था बहुत ज्यादा, उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने बांट दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, जैसे कि 5 ईयर प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4. जैसे कि पहले 10+2 का कॉन्सेप्ट होता था, अब 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट हो गया है. मतलब गवर्नमेंट अब पैम्पर करना स्टार्ट करेगी 3-8 इयर्स के बच्चों को, फिर 8-11, फिर 11-14 एंड देन 14-18, जिससे कि जब हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारा पढ़ाई में मन लगेगा और हम क्रिएटिविटी की तरफ भी ध्यान देंगे, ताकि हम प्रैक्टिकल नॉलेज और अच्छे से गेन कर पाए. ये गवर्नमेंट की अप्रोच है. और गवर्नमेंट ने एक और अच्छी चीज इंट्रोड्यूस की है. जैसे कि अभी हम देखते थे सिर्फ 3 स्ट्रीमें बटी हुई थी, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स, अब उन स्ट्रीम्स को हटा के कई मल्टीपल स्ट्रीम्स ले आएगी गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, कोई बच्चा है उसको केमिस्ट्री अच्छी लगती है और उसको पॉलिटिकल साइंस भी अच्छी लगती है, सो अभी तक ऐसा प्रोविजन नहीं था, बट अब वो ले सकता है दोनों ही सब्जेक्ट्स. सो ये कैसे आया है? ये हमारी न्यू एजुकेशनल रिफॉर्म के तहत आया है, ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करके हमको दिया है. और इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने, कि इसको भी अगर बच्चे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो इस पे ही भी स्टार्टिंग से काम हो सके. जस्ट लाइक डिफरेंट कंट्रीज जो करती हैं, अमेरिका में हम बोलते थे कि अमेरिका की ऐसी पॉलिसी है, वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, सो अब हमारी कंट्री में भी गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हमको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो हमको इंटर्नशिप्स चाहिए होंगी, सो गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान किया है स्ट्रक्चर कि हम क्लास 6 से ही इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर सकते हैं सिंस फ्रॉम आवर स्कूल आल्सो.
मान लीजिए अगर आपको राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप में डिफरेंस जानना है, सो आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा इंटर्नशिप, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि फार्मिंग कैसे हो रही है, कौन सी क्रॉप कैसे उगाई जा रही है। तो ये सब जो डिफरेंसेस होंगे ये हमको क्लियरली हो जाएंगे अगर हमको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। आपको अगर साइंस में या फिजिक्स में आपको दिखाया जाता है कि बल्ब ऐसे चेंज होता है, ये प्लस या माइनस नेगेटिव साइन होता है, इनको जोड़कर इलेक्ट्रिसिटी आती है, सो आपको वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में दिखाया जाएगा जिससे कि आपकी नॉलेज और इनहेंस हो जाएगी। सो ये सब एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए हैं और भी इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट टाइम बाय टाइम, तो आपको टाइम लग सकता है, मे बी 1 ईयर का टाइम लग जाए, बट अकॉर्डिंग टू दिस प्लान इट वुड बी अ ग्रेट डेवलपमेंट फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर फ्यूचर ऑल्सो। एंड ट्वेल्थीज स्टूडेंट ये मत सोचे कि इसमें सिर्फ प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल वालों का ही फायदा है, इसमें आपका भी फायदा है। क्यों? गवर्नमेंट ने कॉलेजेस में भी बहुत सारे रिफॉर्म लाए हैं, जैसे कि आपका 4 साल का या 5 साल का कॉलेज होता है, सो आप अगर चाहें, जैसे कोई कोई स्टूडेंट्स होते थे उनको 1 ईयर के बाद ड्रॉप करना पड़ता था और वो फिर अगर फिर से स्टार्ट करना चाहते थे तो उनको फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं, अब क्रेडिट्स के हिसाब से होगा। अगर आपने 1 या 2 साल पढ़ लिया उसके बाद आपको कुछ अर्जेंसी आ गई तो आपको छोड़ना पड़ा, ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो अगर आपको फिर से स्टार्ट करना है तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, 3rd ईयर से या 2nd ईयर से, जैसे भी आपने छोड़ा था, जहां से वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके 4 साल का मान लीजिए कॉलेज है तो आप 3 साल पढ़कर ही 1 साल अगर आप चाहें तो उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं, वरना आपका 3 साल में ही मिनिमम मान लिया जाएगा कि आप ग्रेजुएट हैं, और आप अगर किसी और चीज की तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग साइंस साइड के होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रखी होती है, बट उनको यूपीएससी करना होता है आगे चल के, जो कि उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री किसी यूज की नहीं रह जाती है फिर यूपीएससी करने में, तो उनके लिए काफी लॉस हो जाता था। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर प्लान किया है कि अगर आप चाहें तो आप 3 साल ही पढ़ के 1 साल आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपको इजी हो जाए, आपके लिए आपको सिर्फ रटने की उससे फ्री कर दिया है कि अब आप प्रैक्टिकल पे ज्यादा इंफेसाइज करें ताकि हम और ज्यादा ग्रोथ करें। और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है हर जगह पे, क्योंकि ये बहुत ही मैंडेटरी हो गया है आने वाली जनरेशन के लिए। लाइक कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। अब सब कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है, हम और आप कंप्यूटर से ही पढ़ाई कर रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पे, हम और आप बिना इंटरनेट के नहीं हम पढ़ सकते हैं, तो हम बाकी एक्टिविटीज कैसे करेंगे। सो इसी के लिए गवर्नमेंट ने ये सब इंट्रोड्यूस किया, और क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री के जो यूथ्स हैं वो एजुकेटेड हों, इसलिए गवर्नमेंट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मनचाही फीस बढ़ाती जा रही है पर ईयर, सो उस पर भी कुछ रोक लगाएगी ताकि वो बच्चे, कई बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि, इसलिए गवर्नमेंट उस पर रोक लगाएगी ताकि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें यूनिवर्सिटीज जाएं, वो ग्रेजुएशन करें और वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करें कंट्री में और वो कंट्री को कंट्रीब्यूट करें। अब भाई पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो इसको एप्लीकेबिलिटी में हमारी गवर्नमेंट ला रही है, एंड दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। तो जो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया मैं उसकी आपको समरी बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने 10+2 का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, लाइक अगर आपको केमिस्ट्री लेनी है और उसके साथ आपको हिस्ट्री लेनी है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी इम्फेसाइज किया, जिसके तहत अगर आपको डांस करना है तो आप डांस का भी थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने इंटर्नशिप्स इंट्रोड्यूस करी लोअर लेवल पे, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में भी इंटर्नशिप का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्रीज हो जाए। अगर आप देखें कि बल्ब है तो बल्ब प्लस एंड माइनस कैसे होता है और ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो वो आपको नॉलेज हो पाए बेसिक, तो गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद गवर्नमेंट ने मिड डे मील्स को बढ़ा के 14 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दिया, जिससे कि रूरल एरियाज में भी एजुकेशन और ज्यादा हायर लेवल तक पहुंचे। इसके बाद कॉलेज लेवल पे अगर हम बात करें तो पहले जो होता था कि 1 साल अगर आप पढ़ के आपने ड्रॉप कर दिया है तो आप दोबारा आपको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा, अब ये खत्म करके आपके क्रेडिट सिस्टम नोट कर दिए जाएंगे एक जगह पे, और अगर आप दोबारा आते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, जहां से आपने ड्रॉप किया है वहां से पढ़ना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट कॉलेज जो अपनी फीस हाइक करे रहते हैं, फीस बढ़ाते हैं, उनको भी रोकने पे, उन पे भी कुछ बाउंडेशंस लगाएगी गवर्नमेंट। और जो हमारी मदर टंग है बेसिकली,
जस्ट लाइक कहीं पे मराठी, कहीं पे उड़ीसा में कोई डिफरेंट लैंग्वेज और किसी और जगह पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो मदर टंग को भी इम्फेसाइज किया है। फिफ्थ क्लास तक मदर टंग पर भी इम्फेसाइज किया है। प्लस जो कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर कंप्यूटर की कोडिंग जैसे हो गई, तो इन सब पर भी इम्फेसाइज किया, क्योंकि आने वाला जो जमाना है या फिर जो कल्चर है वो टेक्निकल होने वाला है, तो हमको टेक्निकल फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम डेवलप कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सो आई होप यू ऑल आर वेरी हैप्पी जस्ट लाइक मी आफ्टर सीइंग दिस रिवोल्यूशन इन द एजुकेशनल इंडस्ट्री और वी कैन से एजुकेशन सेक्टर इन आर कंट्री। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं यार। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सब गुड न्यूज सुन के, एंड जैसे कि मुझे लग रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।